नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं धर्मेई के ग्रामीण। मामला विकास खंड मुजहना के धर्मेई से जुड़ा हुआ है, जहां इन दिनों ट्रांसफार्मर के लिए हो रहा है काफी हो हल्ला। लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं ग्रामीण। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी ट्रांसफार्मर से चलाया जा रहा है नलकूप। खबर गोंडा जिले के मुजहना विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत धर्मेई से जुड़ा हुआ है, जहां इन दिनों ट्रांसफार्मर के लिए काफी हो हल्ला हो रहा है। आपको बता दें कि धर्मेई के रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में लगा ट्रांसफार्मर मात्र 100 केवी का है, जबकि इसमें करीब 440 कनेक्शन धारक जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इसी ट्रांसफार्मर से नलकूप भी चलाया जा रहा है, जिससे हम लोगों के यहां अक्सर विद्युत आपूर्ति अधिक रहती है, और अगर सप्लाई चालू भी रहती है तो लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है, जिससे हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाने के लिए मांग की है। प्राइम न्यूज 24 के लिए उमापति गुप्ता की रिपोर्ट।